Hey guys, welcome back to our channel. मैं हूँ DSG ADV360 और आप देख रहे हो Diamond Stone Gaming. तो दोस्तों Free Fire का नया अपडेट्स आ चुका है और मैंने उसको अपडेट पे भी लगा दिया तो 54% हो चुका है. तो तब तक मैं अपडेट्स का जो सारे डिटेल्स आए एक्चुअली जो आए वो मैं आपको बता देता हूँ. तो पहला वाला जो आया क्लैश स्क्वाड रैंक मोड, दोस्तों क्लैश स्क्वाड में अभी रैंक मोड होने वाला है. तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है क्योंकि सारे लोग रैंक खेलना नहीं चाहता, नेटवर्क की वजह से खेल नहीं पाता. तो क्लैश स्क्वाड में एक नया इवेंट जो आने वाला था वो आ चुका है. तो दूसरा जो चीज़ आया है स्मोक ग्रेनेड, दोस्तों स्मोक ग्रेनेड आया है वो भी क्लैश स्क्वाड में. क्लैश स्क्वाड में स्मोक ग्रेनेड दिया गया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो अपना नॉर्मल वाला ग्रेनेड है उसको हटा के ये स्मोक ग्रेनेड दिया जा सकता है. तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों. और सबसे बड़ी जो इवेंट का जो इतने दिन से सारे एडवर्टाइजमेंट हो रहा था कपीला, तो कपीला करके एक नया कैरेक्टर आने वाला है, उसका अवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह सब कुछ सारे दिया हुआ ही है. तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो में भी देख सकते हो, इसका डिटेल्स दिया हुआ है. और चौथी जो चीज़ आया है थम्सन करके एक नया गन स्किन आया है, गन आया है जो कि एसोल्ट राइफल है. पाँचवीं जो मोटर बाइक में अभी दो बंदे बैठ सकते हैं, तो दो बंदे बैठ के बड़ी लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं. दोस्तों इसका कोई वांधो नहीं है, तो जा सकते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, तो मोटर बाइक में भी लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं. तो छठवीं जो है MP5 UMP N1 87 में एक स्टॉप या सीट अटैचमेंट दिया गया है. तो वो एक नया अपडेट है जो कि गन के ऊपर देखने को मिलेगा आपको. एंड एडिड सीटिंग रिड्यूस ऑटो पिकअप डिले इन गेम. ऑटो पिकअप में जो डिले होता है, जैसे कहीं लूट बॉक्स में लूट रहे हो तब जो पिकअप डिले होता है उसका ऊपर थोड़ा वर्क किया है यहाँ पे गैरेना ने, और ये अपडेट दे चुका है. तो थोड़ा बहुत डिले कम होगा अभी पिकअप में, तभी देखने को मौका तो उसके बाद ही मिलेगा जब हम गेम में जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो अपडेट्स तो बहुत सारे ऐसे दिखाते हैं लेकिन वो बराबर से वर्क करते नहीं, ऐसे हमने बहुत बार देखे. और आठवीं जो आया है जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि भाई ये क्या है, प्लांट के साथ क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं छुप सकते, तो ये बग से क्या है मुझे मालूम है नहीं. तो लॉबी में जाने के बाद ही दोस्तों देखने को मौका मिलेगा, इन गेम में होने के बाद ही मिलेगा. तो इसका क्या रीज़न है मेरे को नहीं मालूम. नौ नंबर जो है पैराशूटिंग में अभी जो बैकपैक का स्किन है वो दिखा जाएगा. पैरासूट के अंदर जो पैरासूट आएगा उसके अंदर अभी जो हमारा नॉर्मल बैग स्किन हम लेके जाते हैं लॉबी में, वही स्किन हमें पैरासूट में भी देखने का मौका मिलेगा जो कि पहले नहीं था. और 10वीं जो आए हैं वंडरलैंड जो इवेंट है वो भी आने वाला है. जैसे हमारा वो हर एक सीजन में आता है, जैसे स्क्रीन में आ रहा है नया, पिछले बार भी आया था, तो वैसा ही एक नया इवेंट आने वाला है वंडरलैंड इवेंट. तो वो भी शायद देखने का मौका मिलेगा अप्रैल की मिडिल या अप्रैल की लास्ट में मिलेगा दोस्तों. तो बस इतना सा छोटा सा अपडेट है, बहुत कुछ अच्छा लगा बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा. उसमें से दो एक चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे पैराशूट वगैरह है और UMP और MP5 का जो अटैचमेंट है उसका. तो दोस्तों मोटर बाइक का भी अच्छा लगा, वो तो मौज मस्ती के लिए बहुत बढ़िया होगा. तो दोस्तों ऐसा कुछ वीडियो हम भी सोच रहे हैं कि आगे कुछ बनाए. तो आपको कौन कौन सा अपडेट अच्छा लगा, कौन कौन सा बुरा लगा, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए. तो देखते हैं हमारा अपडेट भी हो चुका है दोस्तों, ऑन होता है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ, ऑन होता कि नहीं. तो मुझे नहीं लगता कि गेम ऑन हो पाएगा, लेकिन हो जाए तो अच्छा है. लेकिन मुझे लगता है कि 5:30 बजे के आसपास ही ये गेम ऑन हो पाएगा, उसके बाद कुछ हो सकते हैं. गेम 5:30 बजे के पहले तो होना नहीं चाहिए. नया जो फॉन्ट आया है ये बहुत ही अच्छा, ठीक ठाक ही है, ख़राब नहीं है, सिंप्लीफाई किया है थोड़ा बहुत. तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन को जूता फेंक के मारने का. और आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बना रहना चाहिए, वही सपोर्ट हमारे लिए एनर्जी होता है. तो
हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे, नया से नया जो इवेंट आता है, जो भी अपडेट्स आते हैं उसका अपडेट डालेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, लॉग इन हो चुका है लेकिन गेम हो नहीं रहा है ओपन। तो जैसे कि मैंने बताया था 5:30 बजे के पहले तो ये चालू होने वाला है नहीं, क्योंकि हर बार का ये इन लोगों का नाटक है। लेकिन ए वाला जो बैंग बैंग जो थीम दिया है वो अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना कॉमेंट करके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और टेक केयर एवरीवन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।